हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंडर फैमिली व्लॉग्स। हाउ आर यू? आई होप कि तुसी सारे वधिया होगे। सो अज दी वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी लाइनिंग वाले सूट दी स्टिचिंग। इस तो पहला मैं एक पार्ट बना चुकी हाँ लाइनिंग वाले सूट दी कटिंग, ते ओदे विच मैं लाइनिंग दी कटिंग नाल रिलेटेड एक एडिशनल टिप दित्ती है। जे तुसी मेरी वो वीडियो नहीं देखी तां प्लीज गो चेक आउट दैट वीडियो, ते मेरी वो वीडियो तो जरूर विजिट करो, क्योंकि जिनी देर तुसी वो वाली वीडियो नहीं देखते तुहानू ये वाली वीडियो दे विच भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। ते बाकी मेरी एक होर रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करन तो पहला वीडियो नू प्लीज फुल वॉच करियो, कटिंग वाली वीडियो नू भी ते आ वाली वीडियो नू भी, क्योंकि जे तुसी वीडियो स्किप कर करके देखोगे तो तुहानू कुछ भी समझ नहीं आएगा, तुहाडे कुछ भी पल्ले नहीं पएगा। जे तुसी सीरियसली कुछ सीखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो नू फुल वॉच करियो। सो गल करते हैं ये वाली वीडियो के बारे। ये विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी कि जिहड़ी लाइनिंग है उहनू फैब्रिक दे नाल फिक्स करन दे लई आपां की ट्रिक जिहड़ियां ने यूज कर सकते हाँ। मोस्टली जिहड़े स्टिचिंग करदे ने उहनां नू पता होएगा कि लाइनिंग नू फैब्रिक दे नाल फिक्स करन दे लई आपां कच्चा करदे हाँ, कोई सुई दे नाल कच्चा कर लैंदा है ते कोई मशीन दा जिहड़ा है बखाओ मोटा करके कच्चा कर लैंदा है। ते आ वाली वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी कि बिना कच्चा कीते आपां लाइनिंग नू फैब्रिक दे नाल किवें फिक्स कर सकदे हाँ। सो बिल्कुल केयरफुली ये वीडियो देखियो, बिना स्किप किते फुल वॉच करियो, ते जे वीडियो वधिया लगे तो प्लीज लाइक ते शेयर जरूर कर दियो, ते जे मेरे चैनल ते नवे हो तो चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर दियो। चलो जी स्टार्ट करदे हां वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, हुण शर्ट दी स्टिचिंग स्टार्ट करन तो पहला आपां जिहड़ा फ्रंट वाला गला है उहदे लई आपां जिहड़ी बुकरम है उह फिक्स कर लांगे फैब्रिक दे नाल। ठीक है जी, ये रेडीमेड भी आ जांदी है ने ते आप भी बना लैंदे ने। मैं रेडीमेड लई है जी, इहदी एक साइड ते जिहड़ी ग्लू चिपकी हुंदी है, ठीक है, वह मैं इहनू चिपकाता है इहदे सेंटर दे विचों। जिन्ना आपां गले दी चौड़ाई रखनी है उन्नी लै के, ते इहदे जिहड़े दोवें सिरे ने उह रख के बुकरम दे उस दे उपर आपां प्रैस फेर देनी है, प्रेस मार देनी है, ते जिहड़ी वह ग्लू है वह चिपक जाएगी फैब्रिक दे उपर। आ देखो एज यू कैन सी, ठीक है जी, हुण आपां गला चिपका लिया है, हुण आपां नैक्सट प्रोसीजर करते हैं। हाँ जी, हुण शर्ट की स्टिचिंग करन तो पहला अपना सब तो पहला काम है लाइनिंग नू फैब्रिक दे नाल फिक्स करना। ठीक है जी, इहदे जिहड़े फिक्स करन दे पुराने तरीके तुहानू पता ही ने, आपां कच्चा करते हाँ, ठीक है, कोई सुई नाल कर लैंदा ते कोई जिहड़ा वो मशीन नाल कर लैंदा। इहदे विच आपां करांगे फैब्रिक ग्लू दे नाल। आ देखो जी, इह फैविक्रील दी फैब्रिक ग्लू है, नो स्टिच फैब्रिक ग्लू, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲੂ ਵਗੈਰਾ ਚਿਪਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਬਰਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਬ ਡੈਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਚਿਪਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਫੈਬਰਿਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਗਨਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਝੰਝਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰੋ, ਕੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਬ ਡੈਬ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਡੈਬ ਡੈਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ,
बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि दो फैब्रिक जड़े ने वो जुड़े ने, बिल्कुल एक सिंगल पीस जड़ा ये बन गया। सो आई होप कि तुहानू ये बहुत हेल्प करेगी, जिहड़े बिगिनर ने उन्हां दे लई बहुत हेल्पफुल होएगी ये वाली वीडियो। ठीक है जी, ते बाकी अज दा मेरा फोकस सिर्फ लाइनिंग अटैच करन दे नाल सी, लाइनिंग फिक्स करन दे नाल सी मेरा फोकस। ते बाकी जिहड़ी ये स्टिचिंग नाल रिलेटेड मैं डिटेल दे विच तुहाडे लई सैपरेट वीडियो बनावांगी। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਸਟਿਚਿੰਗ। ਅਤੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਰੈਡੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਕਰਮ ਵਗੈਰਾ ਚਿਪਕਾ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਲਾ। ठीक है, ये जिहड़ा कपड़ा बाहर सी फालतू वह मैं अंदर दे के उत्थे सिलाई लगाती है। देखो बाहरली साइड तो दिखती है सिलाई जिहड़ी है, ये मैं तुहानू ला के असली नहीं दिखा रही क्योंकि मैं आप ही वीडियो शूट कर रही हाँ, तो आप ही मैं स्टिच करना, इस करके दो काम जिहड़े ने इकट्ठे नहीं हो सकते, इस करके प्लीज़ एडजस्ट कर लियो। तो हुण देखो जी, मैं इनू शर्ट के नाल शर्ट के फैब्रिक के नाल अटैच करांगी। एक क्रीजा मैं बना लिया ने सेंटर तो, शर्ट की तो बनी हुई पई सी, कटिंग करन लग्या आपां बना ली सी, उत्थे बस कट ला लिया मैं। तो इहदी भी क्रीज बना के उपर मैं सेंटर च कट लाता, तो कट शर्ट के कट नूं ते आ गले जिहड़ा बुकरम वाला गला है इहदे कट नूं कट नाल मिला के क्रीज नूं क्रीज के उपर रख के आपां सेंटर के विच सिलाई लगा लांगे, कच्ची सिलाई। ठीक है, ये कच्ची सिलाई लगावांगे आपां क्योंकि फिर इहनूं आपां बाद च देड़ना है। ठीक है, ये सिलाई आपां तां करके लाने आ कि जिहड़ा वह गला है वह इधर उधर ना जाए, टेढ़ा ना बन जाए, सीधा ही बने, इस करके सेंटर च सिलाई लाने नाल वह गला जिहड़ा उत्थे ही टिकिया रहेगा। तो आप ईजीली जिहड़ी साइडां ते सिलाइयां पक्कियां लानियां ने वह आप ला लांगे। ठीक है जी, ये हुण अपनी सिलाई लग चुकी है, हुण आप पक्की सिलाई लगावांगे जी। तो पक्की सिलाई जिहड़ी वह बुकरम के बिल्कुल नाल लावांगे आप, बुकरम के बिल्कुल नाल नाल आप जिहड़ी वह पक्की सिलाई लावांगे। ये मैं लाती है जी। ठीक है, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि दोवें काम फिर इकट्ठे नहीं हो सकते, इस करके मैं तुहानूं ला के दिखा रही हाँ। देखो बैक साइड तो पता लगता इहदी सिलाई दा, आ देखो ये सिलाई लग चुकी है। तो एक बारी कट तो पूरा चैक कर लेना है कि ये बिल्कुल सेंटर दे विच ही है ना गला। ठीक है, कई बार इधर उधर हो जाता, वैसे सेंटर च सील लाउण दे नाल इधर उधर नहीं जाता, पर फिर भी अपनी तसली दे लई तुसीं एक बारी चैक जरूर कर लेना है कट्टन तो पहला, क्योंकि पहला तो हल हुंदा है, बाद विच फिर कोई हल नहीं इहदा। ठीक है जी, हुण इह जिहड़ा इह कपड़ा अपना अटैच हो चुक्या गले वाला भी ते शर्ट दा भी, ते हुण आपां इहनूं विचों कट लांगे। आ लो जी, मैं कट लिया, ते कट के मैं इहनूं कच्चा भी करता। ठीक है जी, एज यू कैन सी। तो हुण मैं पिछले गले की भी जिहड़ी रेप पट्टी सी उह लाणी सी उह ला के मैं इहनूं जिहड़ा कच्चा कर लिया। ये मैं बहुत ही डिटेल दे विच मैं नहीं जा रही। ठीक है जी, ये मैं सिर्फ मोटा मोटा तुहानू दस रही हाँ क्योंकि ये जो मेन सी मैं वो लाइनिंग फिक्स करने बारे ही दसना सी, ते पर मैं सोचा कि मोटा मोटा मैं तुहानू दस देनी हाँ। हुण पिछले गले की जिहड़ी आप पट्टी लाई है रेब, तो अगले गले की जिहड़ी आप पट्टी लाई है, इन्हां दोवां नू फड़ के मोढ़ियां दी सिलाई ला लैनी है। ठीक है जी, आ देखो मैं सिलाई लगा ली है, as you can see। ते हुण आपां पावांगे जी प्लेट, मैं सोचा कि प्लेटां बारे भी तुहानूं मोटा मोटा दस दिंनी आ। बाकी जे तुसीं इंट्रस्टड हो तां फिर मैं नैक्सट वीडियो दे विच पूरा डिटेल च दसांगी तुहानूं। आ देखो ये जिहड़े आपां निशान लाए सी ना, निशान दे उपर वाली साइड तों नीचे वाली साइड नूं फड़ के ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰੀਜ਼ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਖਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਵਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਵ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਥੋੜੀ ਗਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा लैके उन्हूं फिर डीप करना है, फिर हौली हौली थोड़े थोड़े कपड़े ते आ जाना है। हुण ये तो आपां जिहड़ा धागा कट्टना नहीं, आपां सेम दूजा जिहड़े निशान जिथे प्लेट का लाया उन्हूं फड़ के, आ देखो उन्हूं फड़ के इहदे नाल ही आपां स्टार्ट कर देंगे। सेम खाली मशीन स्टार्ट करके थोड़े कपड़े तो थोड़ी जी दूर रख के खाली चलाते हुए मशीन नू देखो निशान तक ले जाके पहला आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा लवेंगे सिलाई दे विच, ते हौली हौली इनू डीप ले जाएंगे। जदों सेंटर च पहुंच जाएगा प्लेट दे, ते फिर एंड तक आंदे आंदे आप कपड़ा जिहड़ा है वह थोड़ा थोड़ा लवेंगे, यानी कि कर्व शेप बन जाती पूरी। ठीक है, इदा ही आप सारी लंबी प्लेट पा लेंगे। तो साइड प्लेट जिहड़े ने वह मैं पाले ने, वह मैं तुहानू नहीं दिखावांगी। ठीक है, ये लंबे प्लेट पा गए ने, आ देखो अपने साइड प्लेट पै गए ने। हुण साइड प्लेट पाने तो बाद अपना जिहड़ा कपड़ा है देखो वध घट हो जाता है। ठीक है, तो इनू एज इट इज ही रहन देना, इनू बराबर नहीं करना। ठीक है, जिहड़ा वध घट होया उहनू उत्थे ही सैट करके ठीक है सिलाई ला देनी है। इनू इहदे पिछले फैब्रिक दे नाल नहीं जोड़ना, पिछले पल्ले दे नाल बिल्कुल नहीं जोड़ना। जिवें दी शेप बन गई है हुण उदां ही रहन देना इहनू, ते आपां जिहड़ी उह साइड सिलाई जिहड़ी फिटिंग वाली सिलाई आपां लावांगे। आ देखो, ते जिहड़ी फिटिंग वाली सिलाई है उह निशान तो थोड़ी दूर रख के लाउणी है, बिल्कुल निशान दे उपर नहीं लाउणी, ते निशान दे अंदरली साइड ते बिल्कुल ही नहीं लाउणी, ते निशान दे बिल्कुल उपर ना लाओ, थोड़ी दूर रख के लाओ, क्योंकि एक तो अपना जिहड़ा कपड़ा है उहदा फर्क पै जांदा प्लेट दे नाल, उह वध घट जांदा, उहनू वी आपां कवर करना हुंदा है। ते दूजा दूर लाउण नाले बेनीफिट हो जांदा है कि जे शर्ट आपां नूं खुल्ला हो जाए आपां दुबारा सिलाई ला सकने आ, ते जे फिर टाइट हो जाए फिर उधेड़ के लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, लो जी लग गई अपनी सिलाई। हाँ जी, अपनी शर्ट हो चुकी है रेडी बन के। ये भी शर्ट की ओवरऑल लुक एज यू कैन सी, मैं तुहानूं क्लोज करके दिखानी हाँ। देखो इहदा नैक है, प्लेट स्पैन करके थोड़ा थोड़ा जिहड़ा कपड़ा है वर्क के थोड़ा अंदर आ गया, पर कोई गल नहीं, इन्ना कुछ चलता है। ते इदां जिहड़ा ये रेडी होया एज यू कैन सी, ते आ मैं इहदियां जिहड़ियां ने घेरे दे चारे पासे मैं जिहड़ी ये ब्रीक ब्रीक लेस लाई है, आ देखो एज यू कैन सी। ठीक है, ब्रीक ब्रीक लेस जिहड़ी है मैं सारी चारे साइडा ते लाई है। देखो कॉर्नर ते भी किन्नी जिहड़ी है किन्नी सफाई आई है, ते ये मैं गुम करके लाई है। देखो बाहरों ते अंदरों बिल्कुल सेम ही, उन्ना ही बाहरों दिखदा बाहरली साइड तो, ते उन्ना ही अंदरली साइड तो। घेरे दे ते चाकां दे चारे पासे लाईए ते स्लीव्स ते लाईए। ठीक है जी, ये फिर मैं तुहाडे नाल शेयर नहीं कीती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा एक तो लंबी हो जानी सी, ते दूजा जिहड़ा मेरा मेन फोकस सी इस वीडियो दे विच ओह लाइनिंग ते सी। ठीक है जी, इस करके मैं जिहड़ा पूरा डिटेल दे विच मैं तुहानूं नहीं दस्या स्टिचिंग बारे, ते जे तुसीं चाहुंदे हो कि स्टिचिंग ते कटिंग दे बारे मैं पूरा डिटेल दे विच तुहानूं दस्सां तां कॉमेंट सैक्शन दे विच जरूर दस्सिओ, मैं तुहाडे लई सैपरेट वीडियो बना दांगी कटिंग ते स्टिचिंग नाल रिलेटड। सो ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਲੁੱਕ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।